ये लड़का इस घर का दामाद कतई नहीं बन सकता। मतलब अबू जी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। अरे बेटा, समझने की कोशिश करो, ये हम लोगों से बहुत अलग है। ये भी तो इंसान है, ये भी तो खाना खाते हैं, इनका खून भी लाल है, और सबसे बड़ी बात, ये कांग्रेस को वोट देते हैं। अरे भाई, सहरा लाइए दूल्हे राजा के लिए। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। देखो भाई, इसमें ट्विस्ट ये है कि भाई ने शादी के बाद वोट बीजेपी को ही किया है। दूर ना जाना तुम मुझसे, दूर ना जाना तुम मुझसे। तू अंजी अंजी दे दो माइक पे लाइट अप, मैं बोलना बहुत कुछ तो बोली बोतल ना स्वेट तो गॉड दिस इन दैट लिक्विड टॉक, मुझे नहीं करना फ्लैट पर ये बंदी है। देखो भाई, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मुझे इस वीडियो में दो अंधभक्त दिखाई दे रहे हैं, एक है मजहब का अंधभक्त, एक है बीजेपी का अंधभक्त। बट इसमें अंतर सिर्फ इतना सा कि यदि आप बीजेपी के अंधभक्त को अंधभक्त बोल देंगे तो वो बुरा नहीं मानेगा। शान से बोला कि हाँ, मैं अंधभक्त हूँ, तुम्हारी तरह चाटुकार नहीं हूँ। जमाने में बड़े बड़े उद्योगपति टाटा बिरला होते थे, अभी भी है, लेकिन एक जमाने में आपको मालूम था कि भाई टाटा ट्रक बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, दांत मंजन कौन बनाता है, हम जब दुकान जाते हैं बर्तन कौन बना रहा है, कपड़ा कौन बना रहा है। आप जानते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं और ये हमारी सुविधा के काम है, जो बनाते हैं वो चीजें हमारी काम आती हैं। आज बताइए जी, अडानी अंबानी जी क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोई बताएगा क्या बनाते हैं, कोई बताएगा कितने मजदूर काम करते हैं इनके लिए, कितने जॉब देते हैं आपको, कोई बता सकता है? कुछ नहीं, आप बता नहीं सकते, कुछ बनाते नहीं है बहनों और भाइयों, जो आपका था वो ले लिया है। मुझे तरस आता है इनके सपोर्टर्स पर, सोचिए आप उनका क्या आईक्यू होगा जो इनका इस तरह का भाषण सुनने के बावजूद भी इन्हें जाकर वोट कर देते हैं। ये बोल क्या रही हैं इन्हें खुद नहीं पता, किसी ने गांजा फूंकते हुए वो स्क्रिप्ट लिखकर इन्हें थमा दी और ये अगली अपनी 10 सभाओं में जाकर उसी स्क्रिप्ट को कंटिन्यू रखेंगी। और सेम ऐसा ही लोगों का मैनिफेस्टो भी, उसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि फ्री की रेबड़ियां बांटने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ली, जातिवाद फैलाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ली। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा घोषित एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का ऐलान किया है। बट आपको बता दूं कि जिस समय ये स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को जरा से भी भाव नहीं दिए थे, ना ही इसे लागू किया था। तो अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें करने पर कांग्रेस पार्टी या तो जनता को बेवकूफ समझती है या फिर खुद बेवकूफ है। बट वहीं कल बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आ गया, जिसे बीजेपी ने नाम दिया है संकल्प, यानी कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें की वो बीजेपी के लिए एक संकल्प है। तो आइए आपको थोड़ा सा बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में ही बता देते हैं। आप सबसे बस यही आग्रह कि कृपया करके वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ये मैनिफेस्टो देखने के बाद आपको एहसास होगा कि आपने सही पार्टी को वोट दिया था। बीजेपी का कहना है कि सत्ता में आते ही वो यूसीसी लागू करेंगे, यानी कि एक समान कानून। जब हमारा देश एक है तो सभी के लिए कानून भी एक ही होना चाहिए, ना कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होना चाहिए। और सीएए को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी रहते हैं, ईसाई सिख और जो हिंदू, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर काम किया जाएगा, जिससे चुनावों पर होने वाले खर्चे कम हो सकेंगे और वो रुपए देश हित में काम आएंगे, वरना तो हमारे देश में पूरे साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होते ही रहते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, बीजेपी के संकल्प पत्र में हिंदुओं को जातिवाद में बांटने की बात नहीं की गई है। और भाजपा ने ऐलान किया है कि हर गरीब को पक्का घर देने की योजना जारी रहेगी, अब तक 4 करोड़ गरीबों को घर दिए गए और आने वाले समय में 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। और भाजपा ने ऐलान किया है कि 80 करोड़ परिवारों को 5 और साल तक मुफ्त राशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा। मुफ्त राशन देने के कारण के पीछे मैंने मोदी जी की एक स्पीच सुनी थी, वो क्लिप मुझे मिली नहीं, वरना मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता। मोदी जी ने उस स्पीच में इसके पीछे बहुत ही सही तर्क दिया था। जैसे एक मरीज अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जब उसकी छुट्टी हो जाती है तो छुट्टी होने के बाद वो तुरंत सही नहीं हो जाता है। छुट्टी होने के बाद उस मरीज को कुछ दिनों तक निरंतर दवाइयां खानी पड़ती हैं और उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ऐसे ही आज जो हमारे देश का गरीब समाज है, वो गरीबी रेखा से निकलकर ऊपर आ रहा है, गरीबी रेखा से बाहर आ रहा है। तो वो खुद को और सशक्त बना पाए और मजबूत बना पाए, इसीलिए और 5 साल तक गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि आपको मुफ्त बिजली मिलेगी, आपका जो बिजली का बिल है वो 0 आएगा। हो सकता है कि अब आपको लग रहा हो कि दुर्गेश भाई, फिर बीजेपी और केजरीवाल में क्या ही फर्क रह गया, दोनों ही फ्री की रेबड़ियां बांट रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्री की बिजली
बिजली देने के लिए पीएम सूर्य घर बिजली योजना लॉन्च होगी, जिसके लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक आवेदन भी कर चुके हैं। इस योजना के तहत आपके घर के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे कि आपके घर का बिजली का बिल 0 आएगा। और यदि आपके घर में उतनी बिजली का यूज नहीं, आपके घर में बिजली का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो आप उस बिजली को बेच भी सकते हैं और आप उसे बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये अंतर है एनडी गठबंधन की फ्री बिजली में और बीजेपी की फ्री बिजली में। बीजेपी आपको गैर जरूरी फ्री की सेवाएं देकर अपाहिज नहीं बनाएगी, आपको सशक्त बनाएगी, आपको मजबूत बनाएगी। इसके अलावा सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। बीजेपी की अभी एक लखपति दीदी योजना चल रही है, जो कि आगे भी ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। और बीजेपी की लखपति दीदी योजना कोई ऐसी नहीं है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही हो। ये योजना महिलाओं के लिए एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि इनको स्किल ट्रेनिंग देकर पैसे कमाने के योग्य बनाता है। जो भी महिलाएं अपना बिजनेस करना चाहती है, उनका बिजनेस शुरू करने के लिए, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें गाइड किया जाता है। और इसमें बिजनेस प्लान, मार्केटिंग रणनीति और मार्केट तक में पहुंच में सहायता करना शामिल है। अगर आप में स्किल्स होंगी, तब आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आसानी से पैसा कमा सकते हैं और आपको किसी भी फ्री की रेवड़ी बांटने वाली सरकारों के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। और फिर ये स्किल्स आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, यानी आप खुद भी आत्मनिर्भर बनेंगे और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इसके अलावा भारत की समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने, जैसे कि योग, आयुर्वेदिक और शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण देने के लिए दुनिया भर में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और इसके अलावा दूसरे देशों से भारत की निर्भरता को कम किया जाएगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर फोकस किया जाएगा। साथियों, विकसित भारत वो नहीं होगा जिसका भविष्य भाग्य के भरोसे हो। इसलिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता को हम तेजी से कम कर रहे हैं। इसलिए हम देश के लिए बड़े लक्ष्य बना रहे हैं और उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ बुलेट ट्रेन का भी विस्तार किया जाएगा। उत्तर, दक्षिण व पूर्वी भारत में भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भाजपा सरकार ने इंटरनेट से 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा है और आने वाले समय में सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट से जोड़ा जाएगा। और किसानों के लिए भाजपा ने कीटनाशकों के प्रयोग, सिंचाई, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम पूर्व अनुमान जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि सैटेलाइट लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा किसानों को फसलों में MSP की वृद्धि और भी की जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना जो भी चल रही है, वो भी ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। और इसके अलावा ट्रक ड्राइवरों के लिए नई योजना शुरू करके राष्ट्रीय राजमार्गों पर उनके लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। और छोटे व्यापारियों को आग, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं जैसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किफायती बीमा प्रोडक्ट शुरू किए जाएंगे। मुद्रा योजना के तहत जो लोन की सीमा है, उसे 20 लाख तक बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बताया कि हायर एजुकेशन में नए नए IIT, IIM, एम्स की स्थापना होगी। और इसके अलावा स्किल्स डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। आधुनिक सड़कें बनाई जाएंगी, आधुनिक रेल बनाई जाएगी, आधुनिक हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ 6G टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया जाएगा और जो ट्रांसजेंडर है उन्हें भी आयुष्मान भारत योजना में कवर किया जाएगा। इसके अलावा भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाने पर फोकस किया जाएगा और हमारे देश के बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडर्न किया जाएगा और हमारे देश की आर्म फोर्सेज की क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। भारत को तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा और मेक इन इंडिया के तहत भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जो कि न जाने और कितने रोजगार पैदा करेगा। अब आगे आपको तय करना है कि आप देश में क्या चाहते हैं। भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर वही सदियों पुरानी जातिवाद व परिवारवाद की राजनीति में हमारे देश को उलझा हुआ रखना चाहते हैं और देश को सांप्रदायिक हिंसा में उलझा हुआ रहना देना चाहते हैं, या फिर देश में तुष्टिकरण की राजनीति होना देना चाहते हैं। सब कुछ आपके एक वोट पर निर्भर करता है। मेरा काम था आप लोगों तक सच पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया। अब आपको तय करना है कि आप किसकी सरकार चुनते हैं। आज बीजेपी के इस मैनिफेस्टो को देखने के बाद मुझे सच में अंदर से खुशी हो रही है। लग रहा है कि हां, आज सच में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में पुराने मुद्दे जो कि सदियों से अटके हुए थे, जैसे कि राम मंदिर, धारा 370 या CAA या फिर ट्रिपल तलाक, आज बीजेपी ने ये सारे मुद्दे ही खत्म कर दिए। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से ही इन मुद्दों पर अटकी हुई थी। कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहती थी कश्मीर से धारा 370 हटे, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति ही सदियों से इन्हीं मुद्दों पर चलती हुई आ रही थी। कांग्रेस चाहती तो कब के ये मुद्दे खत्म कर सकती थी। बट इसके उलट इन सब मुद्दों को लेकर बदनाम बीजेपी को ही किया जाता था। बट बीजेपी जैसे ही सत्ता में आती है, इन सभी मुद्दों को खत्म कर देती है। और कांग्रेस की वजह से आजादी के बाद से हमारा देश इन मुद्दों से बाहर नहीं निकल पाया था, या फिर कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि हमारा देश इन मुद्दों से बाहर निकले। कांग्रेस हमारे देश को बस इन्हीं सभी मुद्दों में उलझाकर रखना चाहती थी और आज भी कांग्रेस यही कर रही है। बट बीजेपी ने ये सारे मुद्दे ही खत्म कर दिया। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। अब कोई भी दुश्मन देश हमारे देश की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता, उसकी आंखें बाहर निकाल दी जाएंगी। और यदि आप सब सच में चाहते हैं कि हमारा देश ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहे, आत्मनिर्भर बनता रहे, तो बीजेपी का फिर से सत्ता में आना बहुत जरूरी है और इस बार 400 पार होने ही चाहिए। अगर गलती से भी, वैसे तो ये संभव नहीं है, बट एक बार को मान लो कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, तो सबकी एक राय पर पानी फिर जाएगा। हमारा देश फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएगा, फिर से उसी घटिया राजनीति के दलदल में धंसता चला जाएगा। अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो?
आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या है बहनों भाइयों? केवल वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति से कहते हैं कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। तो बस मेरे प्यारे आई आज के अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। साथ ही आप सबसे आग्रह है कि अपनी इस वीडियो को आज शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।